हेलो दोस्तों, आज मैं बनाऊंगी 34 इंच चेस्ट के ब्लाउज में डिज़ाइन। तो यहाँ पे मैंने ब्लाउज और अस्तर का कपड़ा कट करके लिया है। इसकी तैयार लंबाई 13.5 इंच है, 1 इंच प्लस करके 14.5 इंच लिया है। शोल्डर इसका 5 इंच लिया है, आर्म होल इसका 5.5 इंच लिया है। चेस्ट इसका तैयार 8.5 इंच है, यहाँ पे 2 इंच प्लस करके लिया है। शोल्डर के साइड से ओपन गला 2 इंच है, गले की लंबाई 10 इंच है, नीचे से गले की चौड़ाई 2.5 इंच लिया है मैंने। अब हम गले का शेप दे देंगे। यहाँ पे मैंने बॉक्स बना करके लिया है पहले से, और मैं यहाँ पे हटके गले का शेप दे रही हूँ। तो इस तरीके से पहले मैं शेप दे दूँगी, उसके बाद गला कट करूँगी। तो देखिए, इस तरीके से मटका गले का शेप दे दूँगी मैं। तो देखिए, शेप मैंने दे दिया है, और अब हम इसको कट करेंगे। तो ब्लाउज का जो कपड़ा है इसको मैं पहले हटा दूंगी, और अस्तर के कपड़े पे गले को पहला मैं कट कर लूंगी। अच्छे से शेप में घुमाते हुए गले को कट कर लेना है। तो देखिए, गला मैंने कट कर लिया है, और अभी हम पट्टी निकालेंगे। तो मैंने यहाँ पे कैनवास पेपर लिया है, और इसके ऊपर अच्छे से इसको रख देंगे एक बराबर से, और उसके बाद हम पट्टी निकालेंगे। ये देखिए, इसको मैंने अच्छे से रख करके ले लिया है, और अभी हम यहाँ पे गले के शेप में पट्टी निकाल लेंगे। तो यहाँ ऊपर के साइड से हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अच्छे से शेप में हमें निशान लगाना है। ऊपर के साइड में हम यहाँ पे एक लाइन इस तरीके से बना देंगे, और 1 इंच चौड़ी पट्टी हम निकाल करके लेंगे। तो यहाँ साइड में हम 1 इंच से 1.5 इंच तक आप ले सकते हैं आराम से। तो इस तरीके से हम बाहर के साइड में भी एक शेप दे देंगे, और इसके बाद हम यहाँ पे पिन लगा करके ले लेंगे। और अब हम इसको कट करके निकाल लेंगे। बाहर के साइड में पहले हम कट कर लेंगे, और अभी हम अंदर वाले हिस्से को भी कट कर देंगे। यहाँ तक हमें कट कर लेना है, और ये जो लाइन है हमें इसे छोड़ देना है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इसको कट करके निकाल दिया है। ऊपर का जो एक्स्ट्रा है इसको भी मैं थोड़ा सा कट कर दूंगी। तो ये देखिए, पट्टी मैंने कट कर ली है, और अब हम इसे ब्लाउज और अस्तर के कपड़े पे रखेंगे। तो पहले मैंने ब्लाउज का कपड़ा लिया है, उसके ऊपर अस्तर का कपड़ा रखा है, और इसके ऊपर पट्टी को अच्छे से एक बराबर रख करके हमें पिन लगा लेना है। उसके बाद हम इसको सिलाई लगा करके अटैच करेंगे। तो अच्छे से 2 से 3 जगह आराम से पिन लगा लेंगे, उसके बाद हम इसे सिलाई लगा करके अटैच करेंगे। अभी हम गले के साइड से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे, और इस तरीके से घुमाते हुए शेप में पूरे गले में हमें सिलाई लगा करके ले लेना है। आप चाहिए तो कैनवास पेपर की पट्टी को अस्तर वाले कपड़े पे इस्त्री करके चिपका करके ले सकते हैं, उससे सिलाई लगाने में आपको आसानी हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पूरे गले पे सिलाई लगा करके ले ली है। अब जो बीच में एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको मैं कट करके निकाल दूँगी। अब हम थोड़ी थोड़ी दूर पे कट लगा देंगे। पूरे गले में हमें कट लगा करके ले लेना है। अब हम अस्तर के कपड़े को अंदर के साइड में फोल्ड कर देंगे, और गले पे यहाँ हम एक सिलाई लगा करके ले लेंगे। तो अच्छे से एक बराबर करते जाएंगे, और फिनिशिंग के साथ में हम पूरे गले पर सिलाई लगा करके ले लेंगे। इससे हमारा गला जो है वो अच्छे से बैठ जाएगा। तो इस तरीके से अच्छे से एक बराबर करते जाएंगे, और पूरे गले पर सिलाई लगा करके ले लेंगे। अब हम इसे पलट करके पूरे अस्तर को अटैच करेंगे। तो यहाँ से इस तरीके से सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी मैं, और इसे हाथ से अच्छे से एक बराबर करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। और इसी तरीके से हमें पूरे अस्तर को अटैच करके ले लेना है। अस्तर मैंने अटैच करके ले लिया है। अब जो यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको मैं कट करके एक बराबर कर लूँगी। तो देखिए, कपड़ा मैंने कट करके एक बराबर कर लिया है, और अब मैं यहाँ पे टक्स लगाऊँगी।
दूसरे साइड में भी टक्स लगा करके ले लूँगी। और अभी मैं कमर पे पट्टी अटैच करूँगी। तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है, इसको हम सीधी सिलाई लगाते हुए पूरे कमर पे अटैच कर देंगे। अब हम पट्टी को फोल्ड करेंगे और एक सिलाई लगा के कॉर्नर पे पट्टी के ऊपर ले लेंगे। पट्टी का जो दूसरा हिस्सा है इसको भी मैं थोड़ा सा फोल्ड करके सिलाई लगा लूँगी। और इसके बाद हम पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे बड़ी वाली सिलाई लगा करके ले लेंगे। आप चाहिए तो इसको बाद में सिलाई निकाल करके हेमिंग करके ले सकते हैं। और अब मैं फ्रिल बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे 2 इंच चौड़ी पट्टी कट करके ली है, इसको मैं जोड़ लगा करके एक बड़ी पट्टी तैयार करके ले लूँगी। और अभी हम पट्टी को इस तरीके से एक बराबर फोल्ड करेंगे और एक सीधी सिलाई लगाते हुए पूरी पट्टी के ऊपर हम ले लेंगे। मैंने यहाँ पे 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है, और अगर आपको ज़्यादा चौड़ा फ्रिल चाहिए तो आप यहाँ पे 2.5 से 3 इंच की पट्टी ले सकते हैं। और अब हम इसको प्लेट लगाते हुए फ्रिल को तैयार करेंगे। तो इस तरीके से हम प्लेट लगाते जाएंगे और सिलाई लगाते हुए पूरी पट्टी का हम फ्रिल बना करके ले लेंगे। तो देखिए मैंने फ्रिल को बना करके ले लिया है। और अभी हम इसे गले के ऊपर अटैच करेंगे। तो इस तरीके से अच्छे से शेप में हम गले के ऊपर सिलाई लगा करके फ्रिल को अटैच कर लेंगे। अच्छे से शेप में घुमाते जाएंगे और सिलाई लगाते हुए फ्रिल को अटैच कर लेंगे। पूरे गले में हमें इसी तरीके से फ्रिल को अटैच कर लेना है। जो एक्स्ट्रा फ्रिल है उसको मैं कट करके निकाल दूंगी। और अभी यहाँ पे जो धागे वगैरह निकले हुए हैं इन्हें सब हम कट करके एक बराबर करके ले लेना है। ये देखिए धागे वगैरह मैंने सारे कट करके अच्छे से एक बराबर करके ले लिया है। और अभी हम यहाँ पे लेस लगाएंगे। तो फ्रिल का जो हमारा ओपन हिस्सा है उसके ऊपर से हम अच्छे से कवर करते हुए लेस को अटैच करेंगे। अच्छे से शेप में घुमाते जाएंगे और फिनिशिंग के साथ में हम यहाँ पे सिलाई लगाते हुए लेस को पूरे गले पे अटैच करेंगे। अच्छे से एक बराबर रखते हुए हम सिलाई लगाते हुए पूरे गले में लेस को अटैच कर लेंगे। अब हम यहाँ से घुमा करके लेस के दूसरे साइड में भी एक सिलाई लगा करके ले लेंगे। तो इस तरीके से हाथ से अच्छे से एक बराबर करते जाएंगे और लेस के दूसरे साइड में भी एक सिलाई लगा करके ले लेना है। तो ये देखिए गले पे हमारा लेस लगा करके हो गया है। और अभी हम कमर पे लेस को अटैच करेंगे। तो यहाँ से हम सीधी सिलाई लगाते हुए कमर पे भी लेस को अटैच कर लेंगे। अच्छे से फिनिशिंग के साथ में हमें सिलाई लगाना है। और यहाँ से हम घुमा करके लेस के दूसरे साइड में भी एक सिलाई लगा करके ले लेंगे। तो देखिए लेस मैंने लगा लिया है। और अभी मैं यहाँ पे नॉट लगा करके ले लूँगी। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन बन करके हमारा रेडी है।